नीचे ये क्या चीज है, डेविल के नीचे देखो ड्यूल वाला डिश, ठीक है। और ऐसा कुछ दिखने वाला है अभी अपना बाइक, देखो गाइस। एवरीबॉडी, इट्स योर बॉय जुल्फिकार जेहान। तो मैं हूँ अभी उर्पतबिल में, आप लोग देख सकते हो, और मेरे साथ है अभी ड्यूक 250 जो ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट में ओनली वन पीस होने वाला है, फुल्ली मॉडिफाइड है, अभी भी 50% बाकी है ना हफ्जुर भाई। हाँ। तो इस रहा नहीं जाता, इसका ऑल डिटेल्स मैं देने वाला हूँ गाइस, आप लोग वीडियो के साथ बने रहो, और वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अभी देखो नीचे ये क्या चीज है, डेविल के नीचे देखो ड्यूल वाला डिश, ठीक है। तो ये ज्यादातर केरला में देखने के लिए मिलता है ज्यादा ड्यूल डिश वाला, लेकिन ये वर्किंग नहीं है, बस लुक के लिए है ना भाई। जस्ट लुक के लिए वर्किंग करना चाहते हो भाई। हाँ, तो 20 के ऊपर जाएगा है ना, मुझे भी पता है वो। और ये भी केरला में होता है, ऐसा असम में ऐसे नहीं है, मैंने अभी तक देखा नहीं असम में। हाँ गाइस, तो असम में ये जो बैन पाइप है ना, ये सीट के नीचे से बहुत ही कम है, रियर है, ये केरला में ज्यादा होता है, तो बहुत ही सेक्सी लगता है। ओरिजिनल वाला एग्जॉस्ट तो इधर के साइड रहता है ना, तो उतना खास नहीं रहता। और BS4 का पावर तो आप लोगों को पता ही है, और यहाँ पे देख सकते हो भाई ने सीट काउल इंस्टॉल कर लिया, और रेड के ऊपर स्टीयरिंग। तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड है? मेरा तो गर्लफ्रेंड नहीं। अरे झूठ बोल रहा है, हफ्जुर भाई के पास भी गर्लफ्रेंड है। कर दिया भाई। नहीं नहीं, झूठ बोल रहा है, हफ्जुर भाई के पास भी गर्लफ्रेंड है, मुझे अच्छे से पता है। तो अभी यही कुछ सीन है बाइक। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे X3 किट, पूरा ये कलर कर दिया है ना, रैपिंग वगैरह कोई चक्कर ही नहीं है। ये वाला रैपिंग है, ये जो देख सकते हो, ये रैपिंग अपने खुद किया। अच्छा भाई ने खुद रैप किया, मतलब कोई शॉप पे नहीं किया, अपने घर में किया, दिमाग से किया। ये वाला जो ग्राफिक्स देख रहे हो ना, ये सब भाई ने खुद किया, और ये तो कलर है। और यहाँ पे एक DRL लगाया हमने, ये एक DRL लगा दिया, और रात में तो बहुत ही अच्छा लगता है देखने के लिए। तो देख सकते हो यही कुछ बाइक है। हाइका चैनल का नाम है लाइव इन असम, फेमस है यार, आप लोग चेक करना। और हम लोग राइड में जाएंगे है ना। हाँ, अभी जाने वाले कुछ दिन में एक राइड होने वाला है। तो गाइस राइड के पहले अगर बाइक बन जाए तो और मजा आने वाला है। तो यही कुछ सीन है, आप लोग गाइस बाइक का भी सिनेमेटिक शॉट एंजॉय कर लो। इसका प्राइस कितना पड़ा बाद में दिखाता हूँ, चलो। हाँ गाइस, तो मतलब वीडियो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा अगर एक एक करके डिटेल्स बोलूंगा ना, तो भाई बोलेगा बस इतना 50% करने में कितना प्राइस आ गया आपका। अभी तो पॉकेट लॉक के भाई, ये जो एग्जॉस्ट है भाई बहुत महंगा है। हाँ हाँ, ये पता है, किसी ने लगाया नहीं अभी तक। देखो तुम्हारा जितने भी फ्रेंड है किसी को देखा ये एग्जॉस्ट लगाया? नहीं नहीं लगाया, एक्रोबेबिक का लगाता है, बट ये अलग से ये नहीं लगाता वो भाई। इसका प्राइस बहुत हाई है, और इससे मतलब छोटा मोटा, मतलब अभी तो 50% हुआ है ना, इसमें भाई 25,000 ऑलरेडी जा चुका है, ऑलरेडी 25 पॉकेट से जा चुका है भाई का। तो भाई लोग, आप लोग अगर मॉडिफिकेशन करने के लिए सोच रहे हो ना, जेब में मानी होना चाहिए। तो गाइस जेब में मानी होना जरूरी है अगर बाइक को ऐसा लुक देना चाहते हो आप लोग, है ना। तो चलो, मॉडिफिकेशन किया हफ्जुर भाई ने, और इसको तो आप लोग देखे ही होगा क्योंकि लाइफ इन असम 1 लाख कंप्लीट करने वाला है। कांग्रेचुलेशन ब्रो, जल्दी हो जाएगा, पार्टी में बुलाएगा ना? सबको बुलाएंगे भाई, आपको भी इनवाइट करेंगे हम। 100 के होने दो भाई, या 100 के होने के बाद पार्टी होगा। तो डूड यही कुछ बाइक है, देख लो आप लोग, और सिनेमेटिक शॉट तो देख ही लिया। और भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, भाई बहुत मेहनत कर रहे हो यार। इंस्टा आईडी का लिंक दे देना यार, मेरे को फॉलोअर्स चाहिए है ना। तो गाइस आज का वीडियो में इतना ही, और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और लाइक भी ठोक देना यार, सपोर्ट करना, तब भी तो मोटिवेशन मिलेगा ना। तो डूड और धासुदार ब्लॉग चैनल में आने वाला है, आज का ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट धासुदार ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।